नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सुमी रॉय है। मुझे सोलो ट्रैवलिंग करने का बड़ा ही मन था। बस जैसे ही कोयम्बतूर से खबर आई, मैंने बैग उठाया और चल पड़ी। कोयम्बतूर जाने के लिए मुझे बैंगलोर पहुंचना पड़ा, जहां मेरे दोस्तों से मिले, यादों के पिटारे को खोले और फिर मेरी दोस्त निमिषा के सहारे गाड़ी ड्राइव करते हुए कोयम्बतूर पहुंचने का प्लान किया। कोयम्बतूर जाने के लिए बैंगलोर से 8 घंटे की दूरी है, तो निमिषा अपने फैमिली के साथ मुझे भी साथ लेके गई और हम सभी चाय कॉफी के मजे लेते हुए और साउथ इंडियन फूड का जायका लेते हुए मेरी सुपर लेडी सुपर वमन निमिषा किशोर कुमार के गानों के साथ हमें कोयम्बतूर तक लेके गई। वेलकम टू चिन्मया गार्डन। यूं तो आप सभी को पता है कि मुझे आश्रम घूमना बहुत अच्छा लगता है और खास करके चिन्मया मिशन के आश्रम पे। चिन्मया गार्डन चिन्मया कोयम्बतूर का ही एक सेंटर है। काफी दिनों से इच्छा थी कि मैं इस सेंटर पे आऊं, इस आश्रम पे आऊं और देखूं। तो चलिए आपको भी दिखाती हूं। चिन्मया गार्डन आश्रम के एंट्रेंस में ही आपको मिलेंगे गणेश जी। यहाँ पर गणेश जी विराजमान है मुख्य देवता के रूप में। और फिर यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर अम्मा पूजा कर रही थी सुबह सुबह, तो मैं भी उनके पीछे पीछे हो ली। सोचा सभी भगवान के एक ही साथ दर्शन कर लूं, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा पुण्य फल मिल जाए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कोयम्बतूर का आश्रम है कैसा। कोयम्बतूर मेन सिटी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर शिरुवनी नामक एक जगह है, जहाँ पर ये चिन्मया मिशन का ये आश्रम पड़ता है। ये आश्रम लगभग 100 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। बहुत खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है और इसे बनाया गया है। साथ ही साथ आपको भीड़ भाड़ से भी काफ़ी राहत मिलेगी इस जगह पर। आइए देखते हैं कि इस पूरे सेंटर का, पूरे आश्रम का लुक्स कैसा है। आश्रम के इस हिस्से को ध्यान निलयम कहते हैं। ये सत्संग हॉल है, जहाँ पर अक्सर लोग बैठकर स्टडी क्लासेस करते हैं, मेडिटेशन क्लासेस करते हैं। ब्रह्मचारी जी, स्वामी जी, सब लोग बैठकर ज्ञान यज्ञ करता है और इसी के लिए इस सत्संग हॉल का निर्माण किया गया है। पूरे एरिया की सजावट हरे रंग से की गई है, मानो भगवान ने खुद यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हरा रंग दे दिया हो। बैठने के लिए आपको छोटे छोटे बेंचेस मिलेंगे, जहाँ पर आप बैठ के शांति से इस जगह का आनंद ले सकते हैं। और हाँ, रहने के लिए छोटी छोटी कुटिया। हर कुटिया को रेड और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन से सजाया गया है। रहने के लिए एक कमरे में 3 से 4 लोग रह सकते हैं। सुविधाएं बहुत अच्छे से की गई हैं। चलिए मैं बाकी हिस्सा भी आपको दिखा देती हूँ। सुबह का मौसम है, 6:30 बजे हैं, काफ़ी लोग तो नहीं उठे, पर मैं आपको ये पूरा कैंपस दिखा देती हूँ। यहाँ पर जब भी लोग आते हैं तो रहने की व्यवस्था के लिए ऐसे बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर बिल्डिंग नहीं कहते, कुटीर कहते हैं या फिर निवास, जैसे ये वेदा कुटीर। उसी तरह हर बिल्डिंग का अपना अपना एक नाम है। बहुत खूबसूरत से यहाँ पे इन नामों को दिया गया है। 3 दिन का हमारा यहाँ पर कैंप है। और यहाँ पर रहने के लिए हमें कहाँ सुविधा दी गई है, चलिए मैं उसे भी आपको दिखाती हूँ, ताकि कभी भी जब आपको यहाँ पर आने का मौका मिले आप हिचकिचाए नहीं। यह है हमारा रहने का एरिया। और इस एरिया में ऐसे बहुत सारे कमरे हैं, जहाँ पर 3 लोग 4 लोग रह सकते हैं। और जूते रखने के लिए स्पेशल सुविधाएं हैं। फिलहाल इस कमरे में 3 लोग रह सकते हैं, 4 लोग भी रह सकते हैं। सेपरेट बाथरूम, सेपरेट टॉयलेट और बैल्कनी की भी व्यवस्था की गई है। पर हाँ, मैं आपको बैल्कनी से कुछ दिखाना चाहूँगी। जब हम बैल्कनी की तरफ जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, तो आश्रम का ये पीछे का हिस्सा बहुत ही सुहाना लगता है। छोटे से खेत है, एक गौशाला है और कुछ पक्षी। क्या बता सकते हैं ये किसकी आवाज़ है? इस आवाज़ को सुनते ही मैं समझ जाती हूँ कि ये मोर है और बस पीछे पीछे आ जाती हूँ। हनुमान जी के मूर्ति को देखकर प्रणाम करते हैं, तभी गौशाला की ओर बढ़ते हैं और मेरा दोस्त पुंडलिक गौशाला को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है। पर मेरी नज़र जो है वो उन साउंड के ऊपर होती है, मोर के ऊपर होते हैं, जो मैंने यहाँ पर देखी थी छत से। मोर को खोजते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे पेड़ दिखाई देंगे, फूल दिखाई देंगे, उसी के बीच में आपको मोर भी दिखाई देंगे। 1, 2, 3, 4, मानो सुबह सारे ये पक्षी, ये मोर मॉर्निंग वॉक करने आ गए हैं। इनके पीछे पीछे चलते चलते मैं भी आश्रम के पिछले दूसरे हिस्से में आ जाती हूँ और यहाँ से नज़ारा कुछ और ही कहता है। यहाँ पर 100 से भी अधिक नारियल के पेड़ हैं
और हर एक पेड़ पर एक नंबर दिया गया है, जैसे इसमें दिया गया है। काफी सारे तो नए नए पौधे भी लगाए गए हैं नारियल के। कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर आते हैं ना, आपको बहुत ही शांति मिलेगी। ये है शिवा कुटीर, कहते हैं स्वामिनी विमलानंदा माँ का ये कुटिया है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत। पर खास बात ये है कि यहाँ पर दबे पाँव ये मोर भी आते हैं। मानो ये दबे पाँव उनके दरवाजे तक जाते हैं और सुबह उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और जगहों भी आपको दिखाती हूँ। यह है आश्रम का एकदम पीछे का हिस्सा, जहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी तालाब है। अक्सर लोग आकर यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं। मैं भी बैठ गई, पर थोड़ी देर पे घड़ी देखा तो पता चला कि समय बहुत हो चुका है और मुझे जल्दी भागना होगा, क्योंकि यहाँ पर अन्न क्षेत्र में सुबह के नाश्ते के लिए घंटी बज चुकी है। चलिए मैं आपको जाते जाते एक बार अन्न क्षेत्र के अंदर का हिस्सा भी दिखा देती हूँ। जो लोग यहाँ पर खाने के लिए भिक्षा देते हैं, उनका नाम इस बोर्ड पे लिखा होता है। देखिए अन्न क्षेत्र के अंदर काफी चहल पहल है। फिलहाल मैं देर से पहुंची हूँ, इसीलिए सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मैं अपना प्लेट ढूंढती हूँ ताकि मुझे भी ब्रेकफास्ट करने का मौका मिले। पर आप मेरे साथ जरूर रहिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं ये दिखाने वाली हूँ कि आखिरकार 3 दिनों में हमने किया क्या है। फिलहाल आज के ब्रेकफास्ट के लिए हमें डोसा मिल रहे हैं। और ये रही स्वामिनी अम्मा, जो इस पूरे कैंपस का ख्याल रखती हैं, साथ ही साथ हमारा भी। तो अगला 3 दिन हमारे लिए कितना मजेदार होने वाला है, एडवेंचरस होने वाला है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा।